बुद्ध से कबीर तक यात्रा का दूसरा दिन है और हम सब कुशीनगर में रामावर स्तूप के प्रांगण में उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित नगरपालिका के प्रमुख श्री श्री हरशंकर मल जी, श्री केपी सिंह जी, फादर आनंद जो बनारस से आए हैं, श्री सुनील कुमार मल कमिश्नर कस्टम्स बॉम्बे, एनसीसी के ऑफिसर्स, एनसीसी के हमारे कैडेट्स बच्चे और यहाँ पर उपस्थित कुशीनगर के गणमान्य व्यक्तियों। कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जैसी हमारी परंपरा है, कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगीत से शुरू करते हैं, जनगणमन से। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोग सावधान में आएंगे और उसके बाद ये शुरू होगा। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चतर बंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जल सितरंगा, सब शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, तब कल कश्मीर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें एक आतंकवादी घटना में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और उन जवानों ने जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है, कबीर से बुद्ध तक यात्रा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम अपना शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी श्रद्धा और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अब उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम अपनी जगह पर 2 मिनट मौन होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। सब लोग अपना गर्दन नीचे झुका करके मौन रखें। उपस्थित सर्व मेरे बुजुर्गजन, मेरे दोस्त लोग, बुद्ध से कबीर यात्रा के सारे संचालक जन और प्यारे बच्चों, सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को शुरू से सुनाई हैं, तो कभी लगता है कि इसमें क्या नया कहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कि स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है, बाहर भी हम यही पढ़ते हैं, बड़े यही कहते हैं, लेकिन ये समय क्या है। समय ये है कि हमें इसके जीवन में, हमारे जीवन में ये सब चीज़ों का कितना असर है। बहुत सारी चीज़ें कल सुनील भाषण दे रहे थे, तो कल सुनील इतने अच्छे से समझा रहे थे कि किस तरह से सारी संस्कृति एक दूसरे में मिली हुई है, फिर भी हम फर्क करने चाहते हैं,
फिर भी हम फर्क करते हैं, पर हम समझते नहीं हैं कि ये चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में इस तरह से रच बस गई हैं। दोस्तों, बच्चों, बच्चे खास तौर पे आने वाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व, आने वाले दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें इस देश को चलाना है, इस देश में, इस देश की संस्कृति, इस देश के नीति नियम, इस देश का विकास कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों के जरिए तय होनी है। तो बच्चों के मानस के ऊपर ये जो हमारे पुरखे हजारों साल से जो संस्कृति हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसके संस्कार दृढ़ हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास बुद्ध से कबीर तक की यात्रा में है। यात्रा में हजारों लोग जुड़े या 10 लोग जुड़े, सवाल मात्र इतना है कि उनका कमिटमेंट कितना है, उनकी समझ कितनी है, वो इस चीज़ को कितना अपने अंदर उतार पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस चीज़ को समझते होंगे। भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा, आज से 2500-3000 साल पहले एक महान आत्मा पैदा हुई। उस महान आत्मा ने जो पुराने रीत रिवाज प्रसंग वगैरह थे उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई, बहुत शांति से, बहुत विनयपूर्वक एक चीज़ कही कि ये नहीं होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, प्रगति के पथ पे आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ को करना है। परंपराओं का विरोध भी बहुत शांत और मुक्त मन से इन्होंने किया। इसके बाद में कई सालों के बाद 15वीं शताब्दी के आसपास कबीर का आगमन होता है। कबीर ने भी अपने दोहों में परंपराओं की चीज़ें से बहुत सारी विनोद जी कहते रहते हैं, वो कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो वो खुद है। भगवान को सुनाने के लिए आपको मस्जिद पे चढ़ के चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ भगवान तक जाती है और वो उसे सुनते हैं, लेकिन उस परंपराओं में हम लोग कहीं अपने रीति रिवाजों की गिरफ्त में ऐसे न बंद हो जाए कि सच्चाई हमें दिखनी बंद हो जाए। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा वही अंतर मन के अंदर झांकने की एक यात्रा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ हाजिर जो बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब उस अंतर यात्रा का आनंद लेंगे, अपने अंदर के अंदर अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे और हमारी परंपराओं ने हमें जो महान प्रथाएं दी है, उस परंपराओं को, उस प्रथाओं का सामंजस्य बिठा के एक सुंदर, स्वस्थ और ऐसा समाज कि जिसमें हम सब लोग शांति से रह सकें, उसका निर्माण करने में हम योगदान दें, तो मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य फलीभूत होगा और हम सब लोग उसमें सफल हुए वैसा हम मानेंगे। ये कह के मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू। उपस्थित सज्जनों, मित्रों, छात्र बंधुओं, बुद्ध से कबीर तक की ये यात्रा हमारे भारत देश की साझी विरासत को जिंदा रखने के उद्देश्य के साथ ये लुम्बिनी से आरंभ हुई और कल के दिन लुम्बिनी में नेपाल की उस पवित्र धरती पर, बुद्ध की नगरी में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ था। नेपाल के अलग अलग संस्थाओं के छात्र उपस्थित थे, हम भारत के लोग इस यात्रा से जुड़े हुए लोग थे और आपस में नेपाल और भारत की मैत्री की बात हुई और विभिन्न विद्यालयों में से होते हुए कल शाम को गोरखपुर शहर के गुरुद्वारे में इसका समापन हुआ कल के कार्यक्रम का। और पूरी यात्रा में मुझे लगता है कि सबसे मजबूत बात यह है कि मैत्री हमारा ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा गुण है, प्रेम हम सब के अंदर, मानव के अंदर प्रेम है और उस प्रेम को जिंदा रखना और प्रेम को बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है। बच्चे, छोटे बच्चों के चेहरों पर हम जब देखते हैं, शिशु
शिशुओं के चेहरे पर प्रेम झलकता है, उनके दिल में प्रेम है, उनके दोनों हाथ आगे बढ़ते हैं आलिंगन के लिए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो प्रेम के बदले हमारे दिमाग में बहुत सारे पूर्वाग्रह, बहुत सारे शक, और जो कि धीरे धीरे शत्रुता, बायर, प्रतिशोध की भावना में बदलता जाता है। इंसानियत या जिसे हम मानवता कहते हैं, मानवता के मूल रूप में प्रेम है। यदि हम मानव के अंदर सबके प्रति प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन ही निरर्थक है। जरूरत है कि प्रेम की दृष्टि से हम एक दूसरे को देखें। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी शुनि चैव शपाके पंडिता समदर्शनी। इसका मतलब है जिसके अंदर विद्या है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो उनके उसके अंदर विनम्रता होगी और वो पंडित को या ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और जिसे हम नीच समझते हैं, उन सारे जंतुओं को नीच समझने वाले सफाई कर्मचारी को, सबको समदृष्टि से देखेगा, किसी के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करेगा। तो हमारे देश की ये दुर्गति कहें, ये कमजोरी कहें, हम लोगों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्णों में, वर्गों में विभाजित करके देखते हैं। हम एक दूसरे को देखते समय ऐसा एक चश्मा पहनते हैं कि दूसरे का कुछ ना कुछ हम पक्ष देखते हैं और ऊंच भाव का की सोच आ जाती है। तो इस समदर्शनी, समदृष्टि की बात जिस तरह भगवद गीता कहता है, सारे धर्म के मूल में ये समदृष्टि की सोच है, अवधारणा। हम एक दूसरे को के अंदर ईश्वर को देखें, जिस तरह हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, मानव सेवा माधव सेवा, यानी मानव की सेवा करनी है तो ईश्वर की सेवा यदि करनी है तो मानव की सेवा करनी है। तो ये मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है, इसीलिए हम नमस्ते कहते हैं, हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। उस ईश्वर को मनुष्य के अंदर देखने की प्रवृत्ति, उस देखने की उस तरह देखने का गुण हमें बढ़ता जाए, इसके लिए हम काम करें और देश को मजबूत करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, किसी के साथ बायर ना रखें, किसी के साथ चाहे वो हमसे जितना भी अलग हो, जितना भी अलग विचार रखते हो, कितने भी भिन्न हो, हम भिन्नताओं को बरकरार रखें, बहुलता को बरकरार रखें, और जिसे हम कहते गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखें और देश को मजबूत रखें। हम अलग अलग हैं, हम भिन्न भिन्न हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारे देश की मजबूती है। ये मानकर इस तरह की भिन्नताओं को जिंदा रखें या ऐसा प्रण ले, चाहे हम एक दूसरे से जितने भी अलग हैं, जितने भी विचारधारा है। हमारे पुराणों में कहा गया है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है और ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरीके से उसका बयान करते हैं, अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करते हैं। तो हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में हम प्रेम को, मैत्री को, बहुलता को और समावेशी सोच को, सबको एक साथ ले चलने के प्रवृत्ति को बनाए रखें। इस संदेश के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। के यात्रा में श्री विनोद मल जी, DGP गुजरात, श्रीमती अनुराजा मल जी, सीनियर DNS गुजरात, श्री HS मल जी, DIG CRPF पटना, श्री सुनील मल जी, कास्य कमिश्नर मुंबई, फादर श्री आनंद जी, श्री जागृति राही जी, विवेक जी, हमारे SDM साहब,
बंटी भाई और प्यारे बच्चों, यहाँ आए एनसीसी कैडर के मित्रों, आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये भूत से कबीर तक की यात्रा यह काबिले तारीफ का यात्रा है। इसमें आपसी भाईचारा का जो संदेश दिया जा रहा है ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस समय पूरा देश गम में डूबा हुआ है। सरहद पे हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, उनको भावभीनी हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित किए हैं। और मैं इन सब चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बुद्ध से कबीर यात्रा तक के प्रेरक कबीर सर अनुराधा मैम, इस मंच से जुड़े हुए तथा आयोजन में अपना अहम योगदान देने वाले सभी लोगों का मैं कुशीनगर आगमन पर स्वागत करता हूँ। कल एक काफ़ी बुरी खबर हमें सुनने को मिली कश्मीर से, पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे मौके पर आज यहाँ पर इकट्ठा होकर बुद्ध की धरती पर शांति के बारे में चिंतन करना और बुद्ध के संदेशों के बारे में गहनता से शोध करना शायद वक्त की ज़रूरत भी है। आप सभी जो देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं, खासकर प्रेरणा कला मंच के कलाकार जिन्होंने बेहतरीन देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए, देश के अलग अलग क्षेत्रों से एक होकर एक यात्रा निकलती है। और दो जो स्तंभ हैं भारतीय विचार के, बुद्ध और कबीर, उनसे और उनके जीवन और उनके संदेशों से जुड़े हुए स्थानों पर जाकर उसके बारे में चिंतन करती है, समाज को भी मौका देती है, तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस चिंतन की लहर समाज के अन्य क्षेत्रों में भी फैलेगी और प्रबुद्ध नागरिक भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। आप सभी कुशीनगर आए और हमें मौका दिया आपको यहाँ पे होस्ट करने का, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध से कबीर तक कि जो ने यात्रा बा ओकर मुख्य संचालक आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार मल जी, यात्रा में एक खूबसूरत यात्रा में शामिल सभी खूबसूरत लोगन के हम भोजपुरी वार्ता पत्रिका परिवार के तरफ से सादर अभिनंदन करतानी, नमन करतानी, सबके स्वागत करतानी। साथे साथे यात्रा अपने लक्ष्य के पूरा करे, ये हमनी के भोजपुरी वार्ता परिवार के शुभकामना बा आप लोग के साथ है। सबसे खुशी के बात ही बा, सबसे खूबसूरत बात ही बा कि हमनी के क्लार्क होटल में डॉक्टर विनोद कुमार मल जी से मिल लीजा। हमनी के लगल के यहाँ के हृदय में एक अपार विशाल सामाजिक कार्यकर्ता के आत्मा पल रहल बा, जौने के अभी प्रकाशन आप लोग के सामने बा। हमनी के अपनी भोजपुरी वार्ता परिवार में शामिल करे खातिर यहाँ के पत्रिका के मार्गदर्शक मंडल में शामिल कैले बनिया। यहाँ के इस हमनी के आज के पवित्र अवसर पर भोजपुरी वार्ता परिवार के संपादक श्री रमेश तिवारी जी अंग वस्त्र से यहाँ के स्वागत करब। श्री रमेश तिवारी जी, बुद्ध से कबीर तक की सांझी विरासत की इस यात्रा के मुख्य संरक्षक, सामने नहीं सामने, गुजरात के डीजीपी, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री विनोद मल्ल जी, सीनियर आईएएस गुजरात की हम लोगों की प्रेरणा स्रोत, हम लोगों की भाभी श्रीमती अनुराधा मल जी, डीआईजी सीआरपीएफ
आदरणीय श्री एच एस मल साहब, मुंबई में कस्टम कलेक्टर के पद पर हम सभी लोगों का मान और सम्मान बढ़ाने वाले आदरणीय श्री सुनील मल जी, फादर आनंद जी, आदरणीय जागृति राही जी, विवेक जी, मेरे साथ चल के आए नगर पालिका कुशीनगर के चेयरमैन कैफुल अली जी तथा यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं से आए सभी सम्मानित पदाधिकारी गण, सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आज कश्मीर में जो हमारे वीर सपूतों की शहादत हुई है उनकी शहादत को हम नमन करते हैं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की ताकत दें, शक्ति दें। पूरा देश आज उस परिवार, उन घरों के साथ है, क्योंकि यह शहादत हम सभी की हिफाजत के लिए हुआ है, इसलिए इस शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम बधाई देते हैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री विनोद मल्ल साहब को कि आपने उस साझी विरासत को उठाया, जो साझी विरासत इस पूर्वांचल की माटी में हमारी परंपराओं में बसता और रचता है। हम आपको बधाई देंगे, यह केवल साझी विरासत नहीं है बल्कि यहाँ के ढेर सारे नौजवान जो यहाँ आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे लाइव फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे यात्रा के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, इन पूर्वांचल के नौजवानों के लिए आप प्रेरणा स्रोत का भी काम कर रहे हैं। हमारा पूर्वांचल इतना आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आईआरएएस देकर पूरे देश में आज इस इलाके का नाम कर रहा है, यह साझी विरासत हमें यह जानने का भी एक मौका दे रहा है। मैं इसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाई और धन्यवाद दूंगा। हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे महान और सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक और आपके जो यात्रा का जो मोटो है, आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, उस हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाला है। याद कीजिएगा, हमारी वह भारतीय संस्कृति जिसने दुनिया में सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, दुनिया में यह नारा और कहीं से नहीं निकला। हमारी भारतीय लोग हमें, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम असहिष्णु हैं, हिंदुस्तान जितना सहिष्णु, हमारी भारतीय संस्कृति जितना सहिष्णुता शायद दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदव्यासों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने दुनिया में सबसे पहले नारा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा घर है। दुनिया में सबसे पहले हमने नारा दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई एक जाति नहीं, कोई एक धर्म नहीं, बल्कि दुनिया में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग सुखी और निरोगी हों, इसकी परिकल्पना हमने किया और इस परिकल्पना को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए हम आपको ढेर सारी बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। जो आपने भाईचारे की परंपरा को बढ़ाने का काम किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा जस नहीं अधमाई। दूसरे का दुख और दूसरे की पीड़ा में शरीक होना, दूर करना, इससे बड़ा और दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और उस पीड़ा के लिए, उस दर्द के लिए आप आगे आए हैं, इसके लिए हम इस यात्रा को ढेर सारी शुभकामना, इसके संरक्षक और इसमें चलने वाले सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान,
और एनसीसी की बहादुरी के लिए एक बार जो श्री वेद जी का सम्मान मान्य श्री विनोद बंसल के हाथों बेहद खूबसूरत पल, बहुत खूबसूरत अनुशासन ही देश को महान बनाता है और आनंदित हो रही है और इतने खूबसूरत तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए एक बार दोगुनी तालियां, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत माधवी नरसिंह जी के स्वागत, बहुत खूबसूरत पल और एक बार जोरदार तालियां साथियों यात्री।